नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। लॉकडाउन के दौरान किसानों के अनाज का एक एक दाना खरीदने का दावा कर रही सरकार। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में शारीरिक दूरी को कायम रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा, इसलिए सरकार ने खरीद केंद्रों की संख्या इस बार ज्यादा ही बढ़ाई है। एक बार में 22 जिलों में 135 खरीद केंद्र भी बना दिए। सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ जिले में 21 केंद्र बनाए गए और सबसे कम पंचकुला और अंबाला में एक केंद्र बनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए मंडी में केवल 50 किसान ही प्रवेश कर पाएंगे, इसलिए खरीद केंद्रों पर दो ही शिफ्टों में सरसों बेच पाएंगे किसान। पहली शिफ्ट 8 बजे से 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक। इसके अलावा अब की बार रेट भी सरसों का अच्छा है, 4425 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं सरकार के द्वारा कहा गया है कि 15 अप्रैल से सरसों और 20 अप्रैल से मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, जबकि सरकार बड़े लेवल पर प्रदेश में खरीद केंद्र भी बना रही है गेहूं के लिए। इसलिए हर जिले के उपायुक्त को आदेश भी दिए गए हैं। कोविड-19 के चलते और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अब की बार फसलों की आवक धीमी है। गेहूँ और सरसों खरीदना सरकार के लिए एक चुनौती भी है। हालांकि सरकार का मानना है कि किसानों के लिए सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए विशेष हिदायतें भी है कि सरसों की फसल को मंडी में लाते समय नमी का विशेष ध्यान रखें और उसी किसान की फसल एजेंसी खरीद पाएगी जो सरकारी एजेंसी निर्धारित की गई है, जिसकी फसल में नमी की मात्रा 8% होगी। इसलिए किसान मंडी में सुखा कर की फसल लाए। किसानों ने आनन फानन में कम पकी फसल को भी काट दिया, इसलिए सरसों के दाने सफ़ेद पड़ गए। किसानों के पास बाकायदा मैसेज जाता है कि आपको मंडी में फसल कब और कितनी लेकर जानी है, और ये फसल वही लेकर के जा सकता है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसे ही गेट पास भी दिया जाएगा। लेकिन कई किसानों से हमारी बातचीत हुई, मंडी में सरसों की आवक को भी देखा गया, खरीद केंद्रों पर भी हम गए, कई किसानों को शिकायत भी है। कई किसानों का मानना है कि सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है, क्योंकि किसानों के पास मैसेज 40 क्विंटल का जाता है लेकिन केवल खरीदी जाती है 32 क्विंटल या 32 किलोग्राम या फिर 1 क्विंटल 95 किलोग्राम या फिर केवल 15 किलोग्राम। जी हाँ, इस प्रकार के मैसेज किसानों के मोबाइल पर आ रहे हैं जिसमें 40 क्विंटल का लिखा गया है, लेकिन जब मंडी में किसान अपनी फसल को लेकर के जाता है तो वहाँ केवल 32 किलोग्राम ही खरीदने का दावा किया जाता है। कई किसानों का कहना है कि किसी के पास 1 क्विंटल का तो किसी के पास 2 क्विंटल का मैसेज आया है। अब ये मैसेज भेजने वाले सरकारी अधिकारी हैं या फिर एजेंसियों के कारिंदे, लेकिन इससे किसान काफ़ी परेशान हैं और सरकार के खिलाफ खासे नाराज भी। लेकिन उनमें से कई किसान ऐसे हैं जिनसे पूरी सरसों खरीदी गई। उन्होंने कहा कि अब की बार सरकार ने दाम भी अच्छे दिए हैं, सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कुछ किसानों का मानना है कि उन्हें सुविधाएं तो नहीं मगर परेशानियां जरूर मिली है। आइए करते हैं किसानों से सीधी बातचीत पल पल की खास रिपोर्ट में। अरुण भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरुण जी, सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी ये आदेश जारी किए हैं कि सरसों की खरीद जो है वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से खरीदी जाएगी। आपने रजिस्ट्रेशन किया था? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी सरसों आप यहाँ बेच रहे हैं? आज 40 क्विंटल का टोकन है और 40-40 बिकेगी। अच्छा, 40 क्विंटल आप बेच सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि कल परसों एक किसान के पास ऐसा हुआ था कि किसान 40 क्विंटल सरसों ही लेके आया था, लेकिन उसको केवल 32 किलोग्राम बेचने के लिए दिया गया था, तो ये कैसे आप तक है कोई जानकारी आपको? थोड़ा सा इसमें अभी चल रहा है, कुछ आगे पीछे रिसेशन हुआ है ना, उसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है। वैसे खरीद वगैरह ठीक ठाक चल रही है और जितना लेके आ रहे हैं वो सारा खरीद रहे हैं। अच्छा, एक दो किसानों को दिक्कत आई है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है अभी भी शुरू है? नहीं, अब नहीं, सिर्फ तो गेहूँ की चल रही है खरीद की प्रक्रिया ऑनलाइन की। हाँ, गेहूँ आना स्टार्ट हो जाएगा मंडी में 2-3 दिन में। पिछली बार तो इस समय तक पूरी मंडी भर जाती थी सर, वो तो इस बार थोड़ा सा कोरोना वायरस का हाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया है इस बार। अच्छा, एक और बात बताइए कि कहा जा रहा है कि किसानों को अब की बार जो पेमेंट है वो तुरंत खाते में दूसरे दिन मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कहाँ तक सच्चाई है सर? अभी तो कल बेची है एक ट्रॉली, तो उसका आज तो शनिवार है,
सोमवार को पता चलेगा बैंक में पेमेंट आएगी तो। कोई और किसान पहले लेकर के आया हो, उनसे बातचीत हुई हो? गांव से तो आज ही आए लगभग। ओके, ये कोई टोकन नंबर होता होगा? वो पहले से ज्यादा है या कैसे? ज्यादा है सर पिछली बार से, इस बार 4,425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गवर्नमेंट ने खरीद की है। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी जो है, बढ़िया इस बार पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छा थोड़ा सा, रेट भी ठीक है और व्यवस्था भी ठीक है। व्यवस्था ठीक है। अच्छा, सरसों पिछली बार से अब की बार ठीक हुई है? वजन में कम है सर, वजन कम है। पिछली बार ज़्यादा था पैदावार, इस बार पैदावार कम है। अच्छा अच्छा, लेकिन रेट अच्छे हैं? रेट अच्छे हैं जी, शुक्रिया। क्या नाम है जी आपका? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, मंडी में इस बार आप क्या लेकर के आए हैं? सरसों। अच्छा, सरसों ही आप लेके आए हैं? बिक गई आपकी सरसों? नहीं बिकी है। कारण? कारण ये है कि ये नमी बता रही है। अच्छा, ये क्या दोपहर बाद कोई सैंपल भरेंगे? अच्छा, नमी है इसलिए दोपहर बाद में। इतनी देर में नमी खत्म हो जाएगी? क्या बता, वो सरकार ने बता। अच्छा, सरकार में ये आड़तियों की तरफ से खरीदी जा रही है या कोई विशेष एजेंसी इसको खरीद रही है? आड़तियां हमारे तो आड़तियां खरीद रही नहीं है। नहीं खरीद रहे? आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था इसके लिए? हाँ हाँ। कितने दिन हो गए रजिस्ट्रेशन करवाए? कम से कम 1.5-2 महीना हो गया। अच्छा, 1.5-2 महीने पहले कितनी सरसों का रजिस्ट्रेशन करवाया था आपने? जमीन लिखी है जी, सस्ती नहीं लिखी है वैसे। अच्छा, कितने किलो में? 2 किलो की सस्ती लिख पाई है। 2 किलो की, 1 किलो की 8 क्विंटल। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी पीछे कुछ किसान का ये था, कहना था कि भी हमारे से जो सरसों हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है उस कहीं अधिक की बजाय कम खरीद रहे हैं, ये क्या है, कुछ समझ में आया आपको? ये कोई समझ में नहीं है, कई बार तो 8 क्विंटल ले लेते हैं। अच्छा जी, कई बार ज़्यादा ही ले लेते हैं। अच्छा, कई किसान का ले, किसान गांव में जिक्र कर रहा है अपने, हमारे ये बड़ा किसान था वो। अच्छा, वो कह रहे हैं 1 क्विंटल 95 किलो गई हमारा मैसेज आया। सिर्फ 1 क्विंटल 95 किलोग्राम? हाँ हाँ, यानी मान लीजिए 2 क्विंटल हो गया। 2 क्विंटल हो गया। हाँ, यही एक्चुअली है ना, हम यही जानने के लिए आए हैं कि मान लो जो बड़े जमींदार है जो 50-50 क्विंटल और 40-40 क्विंटल लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका पूरा जमींदार है वो तो। हाँ हाँ हाँ, और उसमें रकबा भी ज्यादा लिखाया होगा। रकबा भी ज्यादा लिखाया है तो इसका मतलब आपने जानकारी लेने की कोशिश करी है कहीं से भी ये सब कैसे हो रहा है? नहीं, आपको मैं तो जानकारी ली नहीं है, कल मैं तो उसके मुंह आवाज सुनी थी। तो वो कह रहा था कि 1 क्विंटल 95 किलो का है। अच्छा, वैसे लिख तो ऐसे रख रहा है, अभी मैसेज में तो ये है कि 15 क्विंटल से ऊपर ना ले। अच्छा, मैसेज में ये बकायदा लिखा होता है कि 15 क्विंटल से ऊपर नहीं लेके आए? ना लेके आए, लेकिन फिर भी तो लोग तो लेके आ रहे हैं 40-40 क्विंटल। ये क्या क्या चीज़ है, ये ज़्यादा ले रहा है क्या है? कई ज़्यादा भी जमींदार है, ज़्यादा भी लिखा सकते हैं। ठीक। राकेश शर्मा जी, आप मंडी में सरसों लेके आए हैं? जी, सरसों लेके आए हैं। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि आपकी सरसों का 40 क्विंटल का मैसेज आया है और बिक नहीं रही है, क्या कारण बता रहे हैं? वो बता रहे हैं जी, ये इस पे गिल्ली निकाल दी आपने। हाँ। और ये अब सफेदपन आ गया इसमें, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। नहीं तो सफेदपन आ गया, ये मतलब कैसे हो गया? जमींदारों ने खुद तो नहीं किया होगा, क्या कारण बता रहे हैं वो? कारण बस वो कुछ नहीं बता रहे, वापस ले जाओ अपने घर, हम नहीं खरीदेंगे। अच्छा, खरीदेंगे नहीं? हाँ जी। तो पॉइंट और बता दीजिए। तो आपको मैसेज जो है वो 40 क्विंटल का आ चुका है? हाँ, मैसेज 40 क्विंटल का आया जी। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, आप लेकर के जाएंगे या कैसे? देखेंगे जी क्या करेंगे, वो तो प्राइवेट बेचनी पड़ेगी या कोई वापस जो घर में ले जानी पड़ेगी है, तो इसमें ये कभी सिरसा ले गया हो, कभी मंडी ले गया हो, कभी वापस। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि एक एक दाना जो है वो बोला था दाना खरीदेंगे, परंतु खरीद तो नहीं रहे ना। अच्छा, तो कोई शिकायत वगैरह की है आपने अधिकारियों से? शिकायत किसी को सुनता ही नहीं है। अच्छा, किस एजेंसी के थ्रू बेच रहे हैं, किसी आड़ती के थ्रू बेच रहे हैं या जो मार्केट कमेटी के थ्रू ही है जी? अच्छा जी, तो ये सरकारी ऑर्डर होंगे? हाँ जी, सरकारी ऑर्डर है। तो किसानों के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने और कई अधिकारियों ने बताई थी कई सुविधाएं जो
किसानों के लिए यहाँ स्पेशल रखी गई हैं। कोई सुविधा नहीं है जी, बिल्कुल भी, ना कोई पानी का बंदोबस्त है यहाँ पर, ना कोई और है यहाँ पे, बस इधर उधर धक्के खाने वाली बात है। कब से आए हैं आप? सुबह 8 बजे से। 8 बजे से आए हैं जी। तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी सरसों खरीदी जाएगी थोड़ा धूप लगाने के बाद। फट से कर्मचारी आया तो वो कह रहे हैं अपने वापस घर ले जाओ, हम नहीं खरीदेंगे। अच्छा। क्योंकि इस पे ये गिल्ली निकाल ली आपने और ये रिजेक्ट है हमारी तरफ से। तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो भी मनमानी कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या मांग करना चाहेंगे अगर सरकार से? मांग क्या है सर, कुछ नहीं है। दाना तो आना चाहिए हमारा, ये हमारे फसल बिकनी तो चाहिए, इससे बेटर तो प्राइवेट वाले भी अच्छे हैं जो खरीद तो लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये न तो कोई खरीदता है न कोई और है जी।